أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم This is Asif Hassan, the English language trainer. Once again, I have been right here with the episode of Rahefala. Why I have been here with the episode of Rahefala? The reason at the back of it, I wanna tell you that basically sometime it happens to be that I am teaching you English. Whenever I am teaching you English, that is a different kind of segment. But when I talk about Rahefala episode, then exactly you exactly are very familiar about my videos. I bring for you different kind of social issues. So once again, I have been right here with the social issue. So basically, as all you guys are absolutely aware that whatever I have told you about PST and JEST, that was absolutely true. और आज का जो fact है, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या मामला चल रहे हैं PST और JEST में और किस तरह के जो है वो अवामिल हमारे सामने वक्त के साथ साथ आते जा रहे हैं. आज के एपिसोड में मैं उनको इंशाल्लाह जो है वो आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, पेश करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको सही इन्फॉर्मेशन दी जाए, सही डायरेक्शन में आप लोग चलते रहें. क्योंकि लाजमी आते आप लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, बहुत मेहनत की है और हर तरह से आपने जो है वो कोशिश की है कि किसी तरह से आप बेहतर से बेहतर जो है वो काम कर सकें और गवर्नमेंट में ख़ास तौर से आके काम कर सकें. लेकिन गवर्नमेंट में आना तो दूर की बात, लेकिन जो वाकई में टैलेंटेड लोग हैं, जो स्किल्ड हैं, गवर्नमेंट उनको मौके देने में इंटरेस्ट ही नहीं ले रही है. लेकिन फिर भी हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, हिम्मत को बरकरार रखें और अपनी जितनी भी कुव्वत है उसके उससे लड़ते रहें. क्योंकि इंसाफ के लिए लड़ना कामयाबी से दो चार करता है आपको, यानी कामयाबी आपके हाथ में आ जाती है. कभी हिम्मत ना हारें, हौसले को कभी जो है वो खोएं ना, उम्मीद के दामन को ना खोएं. कहने का मकसद ये है. तो यहाँ पर ये बातें समझने की भी हैं और इन बातों को जहन में भी रखना चाहिए कि इंसान को हर हाल में जो है वो उम्मीद लगा के रखनी चाहिए अल्लाह ताला से. क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात है वो आपके इस तमाम मामलात को हल करने वाली है. तो बेसिकली आज का वीडियो बनाने का मकसद यही है. जैसे कि आपको पता है कि चारों तरफ से कंस्पिरेसीज जो हैं हमारे सामने आई हैं, हर जगह पे साजिश नज़र आती है. साजिश से मुराद आप ये देखें, जैसे ही ये मामला शुरू हुए PST और JEST के, तो आपने देखा होगा इन द बिगनिंग बहुत से लोग सामने आए, जिसमें लियाकत मीरानी साहब सबसे पहले हमारे सामने आए. उन्होंने कोशिश की और अब तक वो कोशिश करते रहे और अभी तक वो स्ट्रगल कर रहे हैं. लेकिन उन्होंने अपने मफाद के लिए काम नहीं किया. अपने मफाद के लिए काम नहीं करना, हमें अपने कैंडिडेट्स के बारे में आवाज़ उठानी है, गवर्नमेंट वालों को समझाना है, IBA वालों को समझाना है, उनको पूरा एक्सप्लेनेशन देना है कि आप कहाँ कहाँ गलत हैं. तो हमारा फर्ज बनता है, जैसे कि लियाकत मीरानी साहब ने भी जो है वो प्रोटेस्ट किया प्रेस क्लब के सामने जाकर, और तमाम कैंडिडेट भी काफ़ी तादाद में उनके साथ उनके हमरा वहाँ पे मौजूद थे. तो ये एक अच्छा जो है कहने का मकसद है साइन नज़र आया हमें. और उन्होंने अब तक उन्होंने ये सारा सिलसिला जारी और सारी रखा हुआ है. लेकिन इसी दौरान बहुत से ऐसे लोग भी आए जिन्होंने हम सब के सामने जो है वो ढोंग किया, दिखावा किया. और दिखावे में आपने देखा होगा कि लोगों ने मगरमच्छ के आंसू भी बहाए. देखें, मामला ये नहीं है जॉब हासिल करना. जॉब असल में जॉब तो लाजमी आते हैं. इंसान का राइट जब बनता है जब उसके अच्छे परसेंटेज आए या उसकी नंबर आए अच्छे या वो मेरिट पे आए, तो उसका बिल्कुल हक बनता है, नो डाउट. और मिलना भी चाहिए उनको. और नो डाउट, चाहे इंटीरियर सिंध हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे कराची हो, जो लोग भी स्ट्रगल कर चुके हैं, जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं, उनको बिल्कुल जो है वो चांस मिलना चाहिए, उनको बिल्कुल चांस मिलना चाहिए. और ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है. लेकिन IBA को बीच में डाल देना, गवर्नमेंट जो है वो अपने सारे मामलात से जो है वो इसलिए जो है वो IBA को बीच में डाला उन्होंने कि ताकि गवर्नमेंट के ऊपर कोई बुराई ना आए, यानी गवर्नमेंट के ऊपर कोई उंगली ना उठाए. बट वी आर गोइंग टू पॉइंट अ फिंगर गवर्नमेंट साइमल्टेनियसली IBA. तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि क्या मामला चल रहे हैं, कि ये किसकी मिली भगत है. ये गवर्नमेंट की भी है और IBA की भी है.
ये उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि ऐसे इदारे को जो है वो ये सेगमेंट देते, ये असाइनमेंट देते कि आप टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, अगर आप काबिल हैं तो आप कंडक्ट कर सकते हैं, अगर आप काबिल नहीं हैं तो आपका कोई राइट नहीं है टेस्ट कंडक्ट करने का। तो इससे तो बहुत से सवालिया निशान हमारे सामने आ जाते हैं कि ये नाहली क्या है, यानी लोगों के फ्यूचर से खेलना। ये IBA नामी इदारा जो है वो इतना, कहने का मतलब यह है कि इसकी बड़ी इज्जत है, बड़ा एक वकार है माशरे में कि IBA एक बहुत बड़ी जगह है, यानी वहाँ जाके, कहने का मकसद है बहुत से लोग यकीनन ऐसे इदारे से मुंसलिक होते होंगे तो ये सोचते होंगे मैं IBA से मुंसलिक हो गया हूँ या मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ, आई हैव बीन एसोसिएटेड विथ IBA। तो ये बड़ा, यानी फ़ख्र की बात होती है लोगों के लिए। तो अब वो लोग जो उधर काम कर रहे होंगे ये उनके लिए भी फ़ख्र की बात नहीं होगी, क्योंकि जब कैंडिडेट्स जो कि स्टूडेंट हैं और कैंडिडेट्स भी हैं और स्टूडेंट भी हैं, जब वो उनकी मिस्टेक्स पकड़ लें, और एक नहीं पता नहीं कितने लोगों ने उनकी मिस्टेक्स पकड़ी हैं, आप अंदाज़ा लगाएं कि IBA जैसा इदारा, जो बड़ा ही प्रेस्टीजियस एक इदारा है, जिसकी बड़ी इज्जत है माशरे में, बड़ा वकार है, जिनकी स्टूडेंट जो कैंडिडेट थे उन्होंने मिस्टेक्स पकड़ ली, और ना सिर्फ मिस्टेक पकड़ी बल्कि अवामुन्नास के सामने प्रेजेंट भी किया, उसको पेश भी किया। देखें आप, मिस्टेक्स कागज़ों के जरिए, नोट्स के जरिए जो है वो सामने आए हमारे सामने, वीडियोस आए हमारे सामने। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट का क्या किरदार है, गवर्नमेंट का ऐसा ज़बरदस्त किरदार है कि उन्होंने ये सारा मामला किसको सौंप दिया, IBA को सौंप दिया। पहले गवर्नमेंट को पता तो होना चाहिए कि IBA है क्या, IBA ने किया क्या है, सिर्फ टेस्ट कंडक्ट किया है, टेस्ट कंडक्ट करने के नाम पर वो लोगों के साथ फ्रॉड किया है, बिल्कुल डिफॉल्टर है ये इदारा। इस इदारे को, कहने का मकसद ये है कि हमारे मुल्क में जितने भी लोग इस वक्त इस इदारे के बारे में बात कर रहे हैं वो कोई पॉजिटिव बात नहीं कर रहे, सब तमाम लोग जितने भी बात कर रहे हैं नेगेटिव बात कर रहे हैं इनके ख़िलाफ़, और इनके ख़िलाफ़ हैं सारे के सारे, कैंडिडेट्स भी इनके खिलाफ हैं, प्रोटेस्ट में भी इनको जो है वो बदनाम किया जा रहा है। तो इतना ज़्यादा बदनाम हो चुका है इदारा कि अब ये सोच में पड़ गए हम कि ये आगे होगा क्या, इसका क्या फ्यूचर है। इसका कोई फ्यूचर नहीं है। ऐसे इदारे जो है वो यकीनन जब लोगों की आहें सिसकियां और जब लोगों के, कहने का मकसद ये है कि तवक्कुआत पर पूरे नहीं उतरते तो ढोंग करते हैं और अपनी मिस्टेक्स को जो है वो एक्सेप्ट भी नहीं करते, और गवर्नमेंट जो है वो सारा का सारा मामला जो है वो IBA वालों पे डाल देते हैं, और IBA वाले जो है वो सोचते हैं कि जो है वो गवर्नमेंट ने जो है वो किया होगा। तो आपस में यकीनी तौर से जो है वो बेसिकली इनका आपस में ही कोऑर्डिनेशन एक वक्त आएगा करा ख़राब होगा, क्योंकि लाजमी आते हैं इन लोगों ने सिंसेरिटी के साथ जो है वो कैंडिडेट्स को जो है वो उनका राइट नहीं दिया। और यहाँ पर बात एक और आई मेरे सामने आज के वीडियो में, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जैसे कि आपको पता है कि UCs होते हैं, हर इलाके का एक UC होता है, तो वहाँ पर बहुत सी सीटें होती हैं। तो अगर लेट सपोज सीटें वहाँ पर क्या हो जाए कि लेट सपोज सीटें जो है वो फिल हो जाएं, उस UC के जहाँ पर जो जहाँ के कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, जिस UC से वो कैंडिडेट बिलोंग करता है, तो वहाँ पर उसको जॉब मिलनी चाहिए। और अगर वहाँ पर सीटें बच जाती हैं तो किसी और UC के बंदे को अगर वहाँ पर अपॉइंट कर दिया जाए तो ये नाइंसाफ़ी तसव्वुर किया जाता है। तो बेसिकली आज एक खातून हैं, उन्होंने अपने इस मुद्दे को जो है हमारे सामने पेश किया। उन्होंने ये कहा कि हमारे UC में जितने भी कैंडिडेट्स ने हमारे इलाके से अप्लाई किया तो उनका सिलेक्शन होना चाहिए। अब बाहर का बंदा तो नहीं लाना चाहिए भाई, कि बाहर के बंदे के ला कर वहाँ पर जॉब दी जाए। तो अब कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर हमारी जो गवर्नमेंट है ना, उसकी जो है वो हर तरह से ये ख्वाहिश होती है कि जैसे चाहें, जहाँ चाहें, जिस UC में चाहें, अपने बंदों को वो जो है अपॉइंट करवा दें, और जिस तरह से भी चाहें वो गेम खेलें। तो ये सब गेम चल रहे हैं हमारे यहाँ, इस तरह के गेम चलते रहते हैं, नाइंसाफियाँ चलती रहती हैं। कराची में भी हो रहा है ऐसा, ख़ासतौर से कराची का मेंशन करना चाहूँगा कि इंटीरियर सिंध में भी यही है, और कराची में भी ऐसा होता है, और हैदराबाद में भी यही होता है। अब ये देखें ना, जिस परसेंटेज पे इन लोगों ने पास आउट किया है अपने ख़ास लोगों को, अपने, कहने का मकसद ये है कि चेलों को, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मुनाफिकत है, कि बाकी जो इंसान हैं वो इंसान नहीं हैं, बाकी इनके जो चाहने वाले हैं, जो इनके चेले हैं, वो इंसान हैं,
उनके लिए जो है वो इनको हर तरह से उनको सपोर्ट करना है। तो बेसिकली ये कौन सा इंसाफ है, किस तरह का इंसाफ है, किस तरह की पॉलिसीज़ हैं जो इन्होंने जो है वो बनाई हैं। बेसिकली इस तरह की पॉलिसीज़ बनाना जो है वो आवाम को, कैंडिडेट्स को, सबको बेवकूफ़ बनाना है। क्योंकि कैंडिडेट्स, मैंने कई दफ़ा अपनी वीडियो में कहा है कि वो एजुकेटेड तबका है, वो पढ़ा लिखा तबका है, चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो उर्दू स्पीकिंग हो, चाहे वो किसी ज़बान से भी ताल्लुक़ रखता हो, तमाम के तमाम लोग जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं वो एक पढ़ा लिखा तबका है। हमें अपने जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं, चाहे उसमें कोई भी हो, उर्दू स्पीकिंग हो, पठान हो, पंजाबी हो, जो भी हो, सिंधी हो, तमाम का राइट है कि उनको अगर मेरिट पे, अगर उन्होंने स्ट्रगल किया है तो उनको हक मिलना चाहिए। अब कराची वाले जो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं उनको भी उनका राइट मिलना चाहिए। इसी तरह सिंध में सिंधी रहते हैं उनको उनका राइट मिलना चाहिए, पंजाब में पंजाबी रहते हैं वहाँ पर उनको राइट यकीनन मिलना चाहिए, पठान उनको भी उनका राइट मिलना चाहिए। और अगर पठान यहाँ पे रहते हैं या पंजाबी यहाँ पे रहते हैं और उनका यहाँ का डोमिसाइल है या यहाँ की पीआरसी है और यहाँ से उन्होंने अप्लाई किया, तो यकीनन उनका भी हक है कि हर एक को आगे आना चाहिए। क्योंकि हम सब जितने लोग भी हैं वो इस मुल्क के शहरी हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब ये क्या तरीका है कि यूसीज के सिस्टम में भी आप जो है वो हर तरह से जो है वो किसी ना किसी तरह से जो है वो, अब जिस यूसी के, पहले तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये बनती है ना, जिस यूसी से जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं उनको पहली प्रायोरिटी दें। और अगर सीट बच जाती है तो क्या कर दिया जाता है, दूसरे यूसी से क्या करता है, उस यूसी के जो अपॉइंटमेंट होते हैं उसको फिल कर दिया जाता है, यानी वहाँ पे उनको अपॉइंट कर दिया जाता है। तो ये भी नाइंसाफ़ी हैं। पहले आप जो है वो एक यूसी, जहाँ पे एक यूसी का, जिस इलाके का भी यूसी है वहाँ पर जितनों ने अप्लाई किया है, जितने लोगों ने अप्लाई किया जॉब के लिए, अगर वो सेलेक्ट हुए तो उनको प्रॉपर तरीके से पहले उनको आने तो दें, उनको जॉब पे मुकर्रर तो होने दें। तो यहाँ पर ये फुकदान भी है, ये सारे मामलात भी चल रहे हैं। यानी कहने का मकसद ये है कि सिस्टम इतना बिगड़ा हुआ है, इतना स्पॉइल हो गया है कि यहाँ पे नाइंसाफ़ी हर जगह पे नज़र आ रही है। तो वरना वो खातून जो आज, जिनकी मैंने वीडियो सुनी, तो मैं जो है वो इस बात को सुन के हैरान हो गया। यानी टॉप टू बॉटम, यानी कहने का मकसद ये, ऊपर से नीचे तक नाइंसाफ़ी हैं, हर तरह से नाइंसाफ़ी नज़र आ रही है। तो कहने का मकसद ये है कि टॉप टू बॉटम नाइंसाफियाँ, बेईमानी, इससे तो लाजमी आते हैं इंसानों में जो है वो, जो भी इंसान हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, हम सब जो भी हैं, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा नाउमीदी होगी लाजमी आते। लेकिन हमें उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कितनी नाउमीदी हो, कितनी फ्रस्ट्रेशन हमारे सामने आए, हमें स्ट्रगल करते रहना चाहिए, हमें अपने राइट्स के लिए बोलना चाहिए, कम अज़ कम हमें एक दूसरे के लिए हेल्प आउट करना चाहिए, चाहे वो किसी सूबे से बिलोंग करते हों, चाहे वो किसी भी जगह से बिलोंग करते हों, चाहे वो कराची के हों, चाहे वो हैदराबाद के हों, चाहे वो इंटीरियर सिंध के हों, हमें एक दूसरे के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। अच्छा, इंटीरियर सिंध में भी ऐसा नहीं है कि जो है वो सबको जॉब मिल जानी है। जिनकी सिफारिशात होती हैं उनको जॉब दे दी जाती हैं। जो पॉलिटिकली स्ट्रांग होते हैं या सिफारिशात होती हैं, जिनके पीछे बहुत बड़ा जो है वो हाथ होता है किसी का, तो उनको जॉब मिल जाती है। तो हमारे यहाँ तो ये सिस्टम जो है वो, जब से हम पैदा हुए हैं हम यही सुन रहे हैं कि बेसिकली ये सारे मामलात इस तरह से ही चलते हैं। पैसों से जॉब हो जाती है, रिश्वत देकर जॉब हो जाती है, पैसे खिला के जॉब हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे सामने आती रही हैं माजी में भी, और अब भी हम जानते हैं कि क्या मामलात हैं। मेरिट तो यहाँ पर किसी को एक्सेप्टेबल ही नहीं है। कहने का मकसद ये है, हर आदमी चाहता है कि मैं जो है वो किसी तरह से जो है वो आगे आ जाऊँ। अच्छा, हमारे यहाँ, हमारे माशरे में एक चीज़ बहुत अहम है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। मेरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, इसे शेयर भी कीजिएगा, इसे लाइक भी कीजिएगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इसको बांटें, ताकि उनको पता चले कि हकायक क्या है। बेसिकली आज इन खातून की मैंने बात की, उन्होंने ये बात करके वाकई में हैरत अंगेज चीज़ कर दी कि उन्होंने ये बताया कि भाई हमारे इलाके का जो यूसी है, कम से कम वहाँ से जितने लोगों ने भी टेस्ट दिया, यकीनन बहुत लोगों ने टेस्ट दिया, बहुत लोगों ने कराची में जो है वो मुख्तलिफ यूसीज, मुख्तलिफ इलाके की मुख्तलिफ यूसी से टेस्ट दिए। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि जहाँ से उन्होंने टेस्ट दिए और अगर उनको सेलेक्ट नहीं किया जाता, तो फिर जो बची कुची जो जगह होगी वो किसको दे दी जाएगी, तो ये भी सोचने की बात है। तो यानी कहने का मकसद ये है कि इस तरह की अपॉइंटमेंट करना ये कोई ठीक नहीं है।
जहाँ से जिसने अप्लाई किया है, सबसे पहले तो जो है वो यूसीज, जिन यूसीज, जिन इलाकों की यूसीज हैं उसमें जो है वो उन लोगों का अपॉइंटमेंट होना चाहिए क्योंकि वो टेस्ट में अपेयर हुए हैं और यकीनन उन्होंने टेस्ट अच्छा ही दिया होगा, क्योंकि बेसिकली टेस्ट देना कोई इतनी आसान चीज़ नहीं है। लोग बड़ी हिम्मत करते हैं, बड़ी जो है वो उसके लिए प्रैक्टिस करते हैं, फिर जाके वो टेस्ट में अपेयर होते हैं और पूरा वक्त देते हैं। और हमारे यहाँ का सिस्टम आप जानते ही हैं, टेस्ट देने जाना, हमारे मुल्क में टेस्ट देने जाना भी आसान चीज़ नहीं है, और ख़ास तौर से फीमेल्स के लिए तो बहुत ज़्यादा परेशानी का बाइस होता है। कैसे वो ट्रैवल करके बसों से जाते हैं, पब्लिक, कहने का मकसद ये है कि ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम भी आपको पता है कि कैसे हमारे मामलात हैं, किस तरह से वो स्ट्रगल करते हैं। और बहुत से लोग तो बहुत खस्ता हाली में भी होते हैं, और कितने रेंट, किराए, ये जो अपना कहने का मकसद ये बसों के जो फेयर्स हैं वो बढ़ गए हैं आजकल, आप ये देखें, और रक्षास कितने ज़्यादा जो है वो चार्ज कर रहे होते हैं। तो आप ये देखें कि किस तरह से लोग स्ट्रगल करके जो है वो NAD यूनिवर्सिटी कराची वाले गए और वहाँ पे जाके उन्होंने टेस्ट दिया, और कितनी गर्मी थी उस दिन जिस दिन ये टेस्ट दिया उन्होंने जाके। तो आप ये देखें कि ये सारी चीज़ें हमारे सामने आती रहती हैं और हमें ये डिस्कस करनी चाहिए कि वो लोग कितनी स्ट्रगल करते हैं, ना सिर्फ यहाँ के लोग बल्कि इंटीरियर के लोग भी करते हैं स्ट्रगल। हैदराबाद से जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया उन्होंने भी स्ट्रगल किया, लेकिन जिन जिन लोगों ने लोगों के लिए आवाज़ उठाई तो वाकई में हमें उनको जो है वो इनक्रेज करना चाहिए। जैसे लियाकत मीरानी और ऐसे भी लोग आए जिसमें जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मेंशन किया था कि सद्दाम साहब आए, वो पहले तो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे कि जॉब नहीं मिली, हमारा पेपर देखें, हमने पूरा पेपर दिया है, रो रहे थे बुरी तरीके से। और उसके बाद आप देखें अब तो माशाल्लाह वो काफ़ी कहने का मकसद ये मशहूर भी हो गए हैं, और आप ये देख सकते हैं कि उनके साथ ही साथ जो है वो अरबाब अरीजो और शाइस्ता बलोच ये लोग भी आ गए। फिर जो है वो बेसिकली कभी कोई स्टेटमेंट देने लगे, कभी कुछ कहने लगे, तो आवाम को बेवकूफ़ बनाने में इन लोगों ने भी अहम किरदार अदा किया कि भाई ये तो मौका अच्छा है किसी तरह से भी अपनी पॉपुलैरिटी को जो है वो किसी तरह से जो है बहुत ज़्यादा इनक्रीज़ किया जाए और अपने आप को बहुत ज़्यादा फेमस कर दिया जाए पूरे इलाकों में, पूरे जहाँ जहाँ पे भी हमें वीडियो, हमें लोग देखें, हम मशहूर हो जाएं। तो शोहरत, सस्ती शोहरत के लिए लोग ये करते हैं। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि किस तरह की चीज़ें हमारे सामने आई। लेकिन अब तक कैंडिडेट्स के लिए अगर देखा जाए ना, तो इन लोगों ने कैंडिडेट्स के लिए कभी आवाज़ नहीं उठाई, इन्होंने अपने मफारात को गेन करने के लिए आवाज़ उठाई है। कैंडिडेट्स को जो है वो बेसिकली लोगों को इकट्ठा कर लेना, लोगों को इकट्ठा कर लेना, लोगों को बुला लेना, और हर तरह से जो है वो कोशिश करना कि जो है वो हम जो है वो कैंडिडेट्स के सपोर्ट के लिए काम कर रहे हैं। अब तक क्या दिखाया गवर्नमेंट ने? अब तक तो गवर्नमेंट वहीं की वहीं बैठी हुई है और इनके प्रोटेस्ट ये कर रहे हैं, कुछ सब कुछ कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा। इसका मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट का स्टांस बहुत सख्त है, तो बहुत मजबूत स्टांस है उनका, वो जो चाहेगी वो करेगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये मामला कोर्ट तक चला गया, अब ये कोर्ट के इल्म में भी मामला आ गए हैं। तो इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है, हमें अपनी जो अदलिया है उस पर यकीनन पूरा भरोसा है, वो आवाम के साथ और कैंडिडेट्स के साथ, हमें अदलिया को पूरा सपोर्ट करना चाहिए कि वो आगे आएं और अपना किरदार अदा करें, और जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको पूरा सपोर्ट करना चाहिए और बाकायदा हमारी जो अदलिया है उसकी तरफ देखना चाहिए कि भाई आप आगे आएँ और अपने जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो आपके मुल्क के शहरी हैं, हम आपके मुल्क के शहरी हैं, हम अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए, हम अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं एजुकेशनिस्ट के तौर पर, जो है वो किसी भी गवर्नमेंट के एजुकेशनल इदारे से जुड़कर। तो बेसिकली ये बात आपको भी उठानी चाहिए, आपको भी अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। मैं आपको मोटिवेट करने आज आया हूँ कि आप लोग आगे आएँ, अपना पूरा किरदार अदा करें, ताकि आपकी 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 आवाज़ से जो है इन लोगों के कहने का मकसद ये इल्म में ये बात आए, ख़ासतौर से अदलिया के इल्म में आए कि कैंडिडेट्स के साथ ज़्यादती हो रही है, और यहाँ पे गवर्नमेंट और IBA ने जो किरदार अदा किया है वो अदलिया के सामने, अदलिया जानती भी है। अब ऐसा तो नहीं है कि अदलिया से ये सब चीज़ें ढकी छुपी हैं, उनसे ढकी छुपी कोई चीज़ नहीं है, ये सारी चीज़ें उनको बहुत अच्छे से पता है। तो आपका फ़र्ज बनता है कि अदलिया के सामने भी अपने मैटर्स को रखें, अपनी बात को रखें। मैं भी अदलिया से रिक्वेस्ट करता हूँ आज इस प्लेटफॉर्म से, अपने चैनल के प्लेटफॉर्म से, राह फला के प्लेटफॉर्म से मैं अदलिया से रिक्वेस्ट करता हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद में हैं उनसे भी मैं
रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पर जो सिस्टम चल रहा है आप इसका नोटिस लें कि ये सीन में क्या सिस्टम चल रहा है, किस तरह से जॉब्स जो है वो बांटी जा रही हैं, किस तरह से अपनों को जो है वो जो है वो निहाल किया जा रहा है, उनको जो है वो अहमियत दी जा रही है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिन्होंने वाकई में टेस्ट दिया है, जिन्होंने वाकई में स्ट्रगल किया है, ड्रामा नहीं किया और मेहनत की है, उनको उनका राइट मिलना चाहिए। उसके लिए चंद लोग जो है वो आवाज़ उठाते हैं और जो है जैसे कि हम कोशिश करते हैं कि भाई किसी तरह से जो है वो ये बात जो है वो अपनी अदलिया के इल्म में लाई जाए। आज इसलिए मैं ये बात आपके इल्म में लाया, अदलिया से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो आगे आएँ और सिंध के लोगों को सपोर्ट करें, सिंध के कैंडिडेट्स को सपोर्ट करें, ख़ासतौर से सिंध के कैंडिडेट्स को सपोर्ट करें, क्योंकि बेसिकली अगर एजुकेशन में हमारे यहाँ वही घिसा पिटा सिस्टम और सिफारिशात चलती रहीं, रेकमेंडेशन पे हायरिंग होती रही, जब तक रेकमेंडेशन के ऊपर हायरिंग होती रहेगी हमारा मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता, कभी हमारा मुल्क जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। माजरत के साथ मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, यही सारे मामलात हैं जिसकी वजह से हम बहुत खसारे में यानी डेफिसिट में जा रहे हैं। हम बड़ा यानी हमारे सामने हम डेफिसिट में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो टैलेंट को एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता, हर महकमा जो है उसमें जो है वो करप्शन है। तो आपके सामने ये सारी चीज़ें, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया और ये वीडियो मैंने आज ख़ास तौर से जो है वो गवर्नमेंट को आईबीए को झंझोड़ने के लिए बनाया कि भाई आप क्या कर रहे हो, आप किस तरह की रविश पर चल रहे हो, आप कैसे अपॉइंटमेंट कर रहे हो, किस तरह से आप जो है अपॉइंट कर रहे हो लोगों को, क्या जो है आपके खिलाफ कैंडिडेट्स आवाज़ें उठा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, और आईबी की मिस्टेक्स जो इतनी आई हैं उस पर आप कोई गौर नहीं कर रहे। अगर आज किसी और मुल्क की गवर्नमेंट होती ना तो अभी आईबीए जो है वो बेसिकली बैंड हो जाता उनके मुल्क में, हमारे मुल्क में तो ये चलता रहेगा लेकिन वहाँ पे तो ये बैंड हो जाता। कहने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ नाइंसाफ़ी इतनी है कि यहाँ पर करप्शन को इम्पोर्टेंस दी जाती है। मैंने मतलब है एजुकेशन में जो भी करना है आप अपनी मनमानियाँ करो, अपनी मनमानियाँ करो, जैसे चाहे अपॉइंट करो, अपने चेलों को भर्ती करो, तो ये सब चीज़ें जब तक चलती रहेंगी तो ये मामला तो हल नहीं होने वाले। जिन्होंने वाकई में टेस्ट दिया, और आप ये देखें जो अपने चेले हैं उनके लिए परसेंटेज भी कम है, यानी आप कम परसेंटेज भी अपॉइंट हो जाएंगे, और जो बेचारे मेहनत करके आगे आ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको तो एक नंबर कोई बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, उनका एक या दो नंबर से अगर कोई रह जाता है तो एक दो नंबर बढ़ा के उनको प्रमोट करने के लिए तैयार नहीं है। जबकि अपने जो कहने का मकसद ये एरियाज़ हैं उनमें आप ये देखें क्या तमाशा हो रहा है, जो ख़ास तौर से रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे तो जो चाहने वाले हैं जिन जो इनके गवर्नमेंट के और इनके चाहने वालों को किस तरह से अपॉइंट किया जा रहा है, किस तरह से उनको जो है वो बेसिकली प्रमोट किया जा रहा है, किस तरह से उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, तो आप ये देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। हमें उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और जैसे कि जो आज खातून जिनके मैंने आपसे डिस्कशन किया जिनके बारे में जिन्होंने ये मुद्दा उठाया कि यूसीज में जिस तरह से अपॉइंटमेंट होते हैं, जब सीटें बच जाती हैं तो वो किसी और को दे दी जाती हैं, और फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो हमारी यूसीज में जितने लोग हैं, जितने अपेयर हुए हैं, जो कैंडिडेट भी आ गए हैं, सबसे पहले तो उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए, उनको जॉब्स में अपॉइंट किया जाना चाहिए। लेकिन फिर आप ये देखें कि क्या होता है, क्या मामलात होते हैं के बाद में जो सीटें बच जाती हैं तो दूसरी यूसीज के लोगों को वहाँ भिजवा दिया जाता है, वहाँ अपॉइंट कर दिया जाता है। तो ये क्या तमाशा है, ये किस तरह का तरीका है, यानी कोई थ्रो प्रॉपर चैनल यहाँ पे सिस्टम ही नहीं है। इससे ये बात वाजे हो गई कि यहाँ पे थ्रो प्रॉपर चैनल कोई सिस्टम है ही नहीं। जब तक थ्रो प्रॉपर चैनल सिस्टम नहीं होगा जब तक हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। यानी एक यूसीज के जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने टेस्ट में अपेयर हुए हैं जो लोग, उन्होंने ये मुद्दा रखा उन खातून ने कि सबसे पहले उनकी उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए, फिर अगर सीटें बच जाती हैं तो भी उसमें भी गुंजाइश होती है कि बाद में उसके टेस्ट कंडक्ट किए जाए उसी यूसीज से उम्मीदवारों को लिया जाना चाहिए। असल में हकीकत तो ये है, लेकिन क्या होता है कि जो सीटें बच जाती हैं उस पर दूसरे यूसीज के लोगों को जो है वो अपॉइंट कर दिया जाता है। तो ये तो राइट मानना हुआ किसी का भी राइट मानो, कहीं से भी भिजवा दो आप और अपॉइंट कर दो। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें हमारे माशरे में जो है वो हमारे सोसाइटी में ये सब चीज़ें होती हैं, ये नाइंसाफियाँ हैं, और यहाँ पर ख़ास तौर से अपने चेलों को भरने की जो है वो साजिशें हमें साफ नज़र आ रही हैं। यूसीज के मामले में भी मैं काफ़ी नज़र रखा हुआ हूँ कि ये यूसीज के मामलात में भी जो है वो डंडी मारने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे।
तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि यूसीज़ पे उन खातून की नज़र थी, जो उन्होंने ये बात बताई तो मेरे ये इल्म में बात आई, तो मैं आपसे शेयर करूँ। तो मैंने आज ये बात आपसे शेयर की कि इसको भी मद्देनज़र रखिएगा कि जो यूसीज़ का सिस्टम है ना, ये भी बड़ा ख़राब है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ बाहर के लोग आके हमारे इलाकों में, यानी जहाँ पे जहाँ के कैंडिडेट अपेयर होते हैं उनको राइट नहीं मिल पाता, लेकिन बाहर के लोग आकर वहाँ पे अपॉइंट करवा दिए जाते हैं। यानी बाहर के लोगों को वहाँ पे अपॉइंट कर दिया जाता है, तो ये नाइंसाफियाँ होती हैं। ये नाइंसाफियाँ कब तक चलेंगी? ये बहुत अहम मुद्दा है जिसको आज मैंने उठाया है कि ये यूसी बेस्ड जो सिस्टम हमारे यहाँ का है, किस तरह से अपॉइंटमेंट का सिस्टम है, किस तरह से ये लोग करते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे कि किस तरह की जो है वो साजिशें हैं, किस तरह की साजिशें जो हैं वो आज हमारे मुल्क में हो रही हैं, हमारे सूबे ख़ास तौर से प्रोविंस जिसको सिंध कहते हैं हम, उसमें हो रही हैं। तो ये क्यों हो रही हैं, इसको बेनकाब करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। और यकीनन आपके सामने ये बात आ गई कि यूसी का क्या सिस्टम है, किस तरह से यहाँ अपॉइंटमेंट होते हैं, आपको बात समझ में आ गई होगी। मज़ीद आप खुद भी इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या सिस्टम है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो लिहाजा मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए, इसे शेयर भी कीजिए, इसे सब तक पहुँचाइए, ताकि इस वीडियो की वजह से लोगों में शऊर बेदार हो कि हमारे यहाँ यूसीज में किस तरह से अपॉइंटमेंट कर दिए जाते हैं। बल्कि जहाँ के यूसी के लोग अपेयर होते हैं ना टेस्ट में, उनकी तादाद कम होती है और बाहर के लोगों की ज़्यादा होती है। हमारे यहाँ तो ये भी होता है, आप इस पर गौर नहीं करते, लेकिन इस पर गौर कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा कैसे अपॉइंटमेंट का सिस्टम चल रहा है हमारे यहाँ। बहुत बुरा सिस्टम है, बहुत ही करप्शन, यानी हर चीज़ में करप्शन है, एजुकेशन में भी करप्शन है, हर चीज़ में करप्शन है, मिलावट ही मिलावट है। इतनी मिलावट कर दी है कि इन लोगों का कहने का मकसद है बस नहीं चलता। अब देख लेना, आपके सामने मैंने ये वीडियो बनाया, ये इस वजह से बनाया कि जो चीज़ें भी जो फैक्ट्स भी मेरे सामने आए, उनको मुझे आपके सामने लाना था और मुझे आपके साथ शेयर करना था, आपके साथ बांटना था। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसे लाइक भी कीजिए, इसे शेयर भी कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ, इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मेरी आवाज़ उन तक पहुँचे। क्योंकि मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं बोल रहा इस एपिसोड को, ख़ास तौर से मैं वैसे इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर हूँ, लेकिन बीइंग अ एजुकेशनिस्ट दिस इज़ माय अकाउंटेबिलिटी दैट आई हैव टू डू समथिंग फॉर यू। मुझे आपके लिए कुछ करना है, बेसिकली ये सवाब का काम है। एक दूसरे के लिए आवाज़ उठाएं, आप मेरे लिए आवाज़ उठाते हैं, मैं आपके लिए आवाज़ उठाता हूँ, एक दूसरे का बाजू बनेंगे तो ये मुल्क तरक्की करेगा। जब तक हम एक दूसरे के साथ अच्छे एसोसिएशन में नहीं होंगे, जब तक हम एक दूसरे का सिंसियर नहीं होंगे, जब तक आपस में एक दूसरे के साथ हम मिल के नहीं रहेंगे, हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो हमें यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है, हम सबको यूनाइटेड होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिल के आवाज़ उठानी चाहिए, हमें ज़बानों को छोड़ना चाहिए, हमें फ़िरकों को छोड़ना चाहिए, हमें बेसिकली ये सोचना चाहिए कि हमें बीइंग अ मुस्लिम तमाम लोगों के लिए आवाज़ उठानी है। हमें किसी चीज़ से जो है वो कहने का मकसद ये, चाहे वो किसी भी मज़हब से बिलोंग करता हो, हमारे कायदे आज़म का भी यही फरमान था। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे, जो बात मैंने कही, हमें पॉजिटिव होकर सोचना चाहिए और अपने एक दूसरे के लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए, एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। मैं आप सबको बहुत इनक्रेज करता हूँ, जितने भी कैंडिडेट टेस्ट में अपेयर हुए, जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, क्योंकि टेस्ट आसान नहीं होता, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, क्योंकि बेसिकली आपने इतना स्ट्रगल किया, इतने जद्दोजहद किया और उसका सिला आपको मिलना चाहिए। मैं इंशाल्लाह आपके लिए दुआगोर रहूँगा, आप भी मेरे लिए दुआगोर रहें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इसके साथ ही राह फला के आज के एपिसोड से मैं यहीं पर आपसे इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह निगहबान।